गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर अपने लाइव में हाजिर हैं और अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं अपना लाइव। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, ये आपसे मिलने की घड़ी, आपसे मिलने का टाइम, आपसे मिलने के लिए कुछ सीखना पड़ता है और हर बार पिछले 92 वीक से लगातार कोई भी परेशानी हो आ रहे हैं आपके सामने। मुश्किल होता है कई बार, बट मजा भी आता है। ठुकराकर उसने मुझसे कहा, मुस्कुराओ। मैंने मुस्कुरा दिया। आखिर सवाल उसकी खुशी का था। मैंने खोया नहीं वो जो मेरा था, पर उसने खो दिया जो उसी का था। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके रिजेक्शंस आपकी सफलता की खोज में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिजेक्शंस आना आपको पहले से बेहतर करने के लिए होता है, मोटिवेट करता है। अक्सर लोग रिजेक्शंस मिलते ही, कैरियर में हो या रिश्तों में हो, रिजेक्शंस आपके दिल में कड़वाहट ला देता है। जहां हमें रिजेक्शंस के कारण पर वर्क करना चाहिए, हम स्ट्रेस में डूब जाते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को और हिम्मत टूट जाती है, मूव ऑन नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है और ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एनालाइज करो उन कारणों का कि जिनके कारण रिजेक्शन हो रही है और खुद पर काम करो, ढूंढें। अपने दिल पर मत लें नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तैयार हो जाओ रिजेक्शंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बड़े काम करना है तो रिजेक्शंस आएंगी। मूविंग फॉरवर्ड इज अ वे ऑफ लाइफ और आज की कहानी आपके लिए खास इसी पर, यू आर नॉट द राइट फिट। ये कहानी है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, रिजेक्शंस के ऊपर है और खास आपके लिए। एक सीनियर मैनेजर अपने एम्प्लॉय मिस्टर डेविड को सुबह सुबह फोन करता है। डेविड बहुत खुश होता है कि उसके मैनेजर का फोन आया है। मिस्टर डेविड, कैन यू कम टू माय केबिन प्लीज। डेविड अपनी सीट पर बैठा काम कर रहा था और अभी लैपटॉप खोला था, दिन के शेड्यूल को चेक कर रहा था और बहुत खुश था क्योंकि मैनेजर ने उसको बुलाया है। तो खुशी खुशी मैनेजर के केबिन में पहुंचता है। मे आई कम इन सर? यस डेविड, अंदर आओ बैठो, मैनेजर स्माइल से बुलाता है। और डेविड, फैमिली कैसी है? डेविड बहुत खुश था, कहता है कि सर मेरी फैमिली बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इस साल मेरी प्रमोशन ड्यू है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अपनी फैमिली को मैं वेकेशंस पर ले जाने की सोच रहा हूं आफ्टर प्रमोशन। मैनेजर एकदम से चुप हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। डेविड को समझ नहीं आया कि एकदम से मैनेजर ने यह चुप्पी क्यों साध ली। मैनेजर गंभीर होता है, गंभीर आवाज में डेविड को कहता है कि कंपनी को कुछ लेऑफ्स करने हैं और तुम्हें जाना होगा। डेविड को ये समझ नहीं आया, तुम्हें जाना होगा मतलब वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके नीचे से जमीन खिसक गई। पीछे 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं था जो डेविड और उसकी टीम नहीं करती हो। हार्ड वर्किंग, बहुत एनर्जेटिक टीम, हर प्रॉब्लम्स का इनके पास सोल्यूशन था और टू गो द मैन था, मतलब कोई भी काम हो तो डेविड के पास चले जाओ, वो काम 100% पूरा हो जाता था। कोई भी टारगेट, कोई भी डेडलाइन ऐसा नहीं था कि डेविड ने पूरी नहीं की हो। डेविड धीरे से बोलता है, मैनेजर सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद है? डेविड कहते, डेविड मुझे तुम्हारा और तुम बेहद पसंद हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी टीम के बेस्ट एम्प्लॉय हो, कैपेबिलिटीज की भी कोई कमी नहीं है। पर सिंपल फैक्ट है दोस्त, सेल्स का बिजनेस है और प्रॉफिट भी देखना है, यू डोंट फिट इन। डेविड अब कुछ नहीं बोलता, उठता है और बिना बोले वहां से चले जाता है। अगले दिन मैनेजर की टेबल पर थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी थोड़ा सी हाईलाइट हो रखी होती है। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या ना बोले।
वो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। दो साल बाद मैनेजर अब कंपनी का डायरेक्टर बन गया था और वो एक कैफे में कॉफी पीकर बाहर निकल रहा था, तभी एक बढ़िया सी ब्रांड न्यू जगुआर आकर रुकती है। मैनेजर समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उस जगुआर के अंदर से सूटेड बूटेड और एक स्मार्ट बिजनेसमैन डेविड निकलता है। मैनेजर उसके पास जाता है, मिलता है, हैंडशेक्स होते हैं। थैंक यू मैनेजर सर, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि डेविड बोल क्या रहा है, तो डेविड समझाता है, सर आई डोंट फिट इन। अगर आपको याद हो, मैं डेविड इन्वेस्टमेंट का सीईओ हूं। मैनेजर एक शब्द नहीं बोल पाता क्योंकि उसको समझ में आ गया डेविड इन्वेस्टमेंट यानी उसकी कंपनी का टॉप क्लाइंट, और एक तरह से अब मैनेजर डेविड के लिए काम कर रहा था। आंखें बिना बोले बहुत कुछ कह गई। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार हमें उन चीजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें पसंद ना हो पर वो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, पर वो दूसरे रास्ते खोल देती है हमारे लिए। रिजेक्ट होते ही हम लगता है कि सब कुछ हमारा चला गया, गोल्स पूरे नहीं होंगे, यानी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी खुली है। रिफ्लेक्ट, रिफिल एंड रिफोकस। जो दरवाजा नहीं खुला वो आपका था ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जो सीढ़ी नहीं मिली वो आपकी थी नहीं। सपने आपके हैं, दर्द आपके हैं, और आपके दर्द में एक पावर है। सक्सेस इज ऑलवेज बिल्ट ऑन फेलियर, इट्स बिल्ट ऑन फ्रस्ट्रेशन, इट्स बिल्ट ऑन योर फियर्स। यू आर रीडायरेक्टेड टू समथिंग बेटर। और हमेशा याद रखें 5S 1N, यानी कोई आपके लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, सिर्फ आपको उस अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।